उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं मौसम विभाग की माने तो कुमाऊं क्षेत्र के कहीं कहीं इलाके और गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश और भूस्खलन के कारण सबसे ज्यादा कुमाऊं मंडल प्रभावित हुआ है। बुधवार को भी कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गुरुवार मौसम विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडल में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं गर्जन और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा समस्त कार्मिक अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगे।